ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो आप सब दा स्वागत है। भारी विरोध विशाले पंजाब दे विच राम रहीम दा सत्संग पिंड जलाल दे विच सिख जथेबंदियां ने डेरे नूं जाण वाली सड़क रोक दित्ती हुई है, भारी जाम लगाया गया है। जी हां, भारी विरोध विशाले पंजाब दे विच गुरमीत राम रहीम दे वल्लों सत्संग कीता जा रहा है पिंड जलाल दे विच सिख जथेबंदियां ने हालांकि डेरे नूं जाण वाली सड़क उत्ते जाम तक भी लगा दिता। डेरे खिलाफ नारेबाजी की गई है इस दौरान ते डेरा प्रेमियां नूं राह दे विच इन्हां जथेबंदियां ने रोकिया। पुलिस ने हिरासत में हालांकि जरूर कई मुजाहराकारी लै लिते ने। हालांकि तुहानूं इह वी दस दईए कि राम रहीम दे वल्लों यूपी के बरनावा आश्रम तो वर्चुअल सत्संग किया जा रहा है सलाबतपुरा दे विच। सलाबतपुरा दे विच जिथे वड्डी गिणती दे विच डेरा प्रेमी पहुंच रहे हैं, तो दूसरे पासे विरोध किया जा रहा है एक पासे कि जिथे बंदी सिंघां नूं जिहड़े अपनी सजावां पूरियां कर चुके ने उन्हां नूं रिहा नहीं किया जा रहा, तो दूसरे पासे बलात्कारी यह पापा उस तों आखर क्यों पैरोल दी जा रही है, क्यों समागम उसके वालों किए जा रहे हैं, इसका विरोध किया गया। तो इसे मदर ही अच्छे मद्देनजर ही कुछ मुजाहराकारियों के वालों डेरा प्रेमियों को रोकया गया। बाद में हालांकि जरूर इन्होंने मुजाहराकारियों को हिरासत में भी ला लिया गया। मुनीश बड़े हुए ने साढ़े नाल इस खबर तो उन्होंने रुख कर लें। मुनीश, सब तो पहला तो जानना चाहेंगे उतों किहोजी अपडेट आ रही है, उत्थे की कुछ चल रहा है, मुजाहरा भी हो रहा है एक पासे सत्संग भी हो रहा है, पुलिस भी लगी हुई है, की कुछ एग्जैक्टली चल रहा है उत्थे? मनीष, अगर मेरी आवाज थोड़े तक पहुंच रही है तो थोड़े राही जानना चाहेंगे कि उत्थे की चल रहा है, उत्थे सत्संग हो रहा है एक पासे ते दूसरे पासे मुजारा भी किया जा रहा है इस गुरमीत राम रहीम के खिलाफ। मनीष, मेरी आवाज पहुंच रही है थोड़े तक? जी, मनीष जानना चाहेंगे थोड़े राही की कुछ चल रहा है उत्थे, एक पासे धरना चल रहा है, मुजारा चल रहा है, दूसरे पासे सत्संग चल रहा है। राजस्थान पहुंचे हुए सलावतपुरा दूसरे पास सिख जथेबंदियां ने विरोध किया, सड़क जाम करने की कोशिश की है, पर पुलिस ने जरा सिख जथेबंदियों के आगुओं सिख नौजवानों गिरफ्त च लै लिया, अपनी उन्होंने सिख सड़क जाम करके सड़क रोक के रोष प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया। पुलिस ने कानून व्यवस्था में बहाल रखने उन्होंने जो अपनी एक बार गिरफ्त च लै लिया होगा जी। मनीष, एक होर सवाल है मेरा, जिवे तुसी उत्थे मौजूद हो बकायदा, कि नाम चर्चा घर दे विच अंदर की कुछ चल रहा है, यह भी जानना चाहवांगे? बिल्कुल, देखो जिस जगह तो राजस्थान तो डेरा सिरसा मुखी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संगठन को संबोधन करना चाहिए, उतो सत्संग करना चाहिए, तो उतो बारिश होने करके विशेष करना 12 बजे तक थी, पर हम जो डेरा मुखी है उतो पहुंचे हुए थे, हम सत्संग अगले कुछ समय बाद शुरू हो जाएगा। बेशक इससे पहला डेरा प्रेमिया वालों अपने भजन अपना कीर्तन जो किया जा रहा थी, पर हम डेरा सिरसा मुखी ने जो गुरमीत राम रहीम जो पैरों चला रहे हैं ठीक है। फिलहाल थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सो मनीष, तो अगे भी थोड़ा जरूर रुक करते रहेंगे, हाल की कड़ी की कुछ अपडेट आ रहा है तक पहुंचा दिए कि बारिश होने करके कुछ प्रोग्राम जड़े ने अगे कर दिए गए ने, पर दूसरे पासे मुजाहराकारी इतने डटे हुए नजर आए, तो इस डेरे वालों जाती सड़क से खड़े होकर बकायदा इन्होंने मुजाहराकारियों के वालों सिख जथेबंदियों के वालों डेरा प्रेमियों का विरोध किया गया। हालांकि जरूर मुजाहराकारी हिरासत में लै लिए गए हैं। बीते दिन अमन अरोड़ा के वालों भी जो बयान दिता गया, आख्या गया कि सत्संग करने की हर किसी को इजाजत है, कर सकता है, तो अमन कानून शांति बनाए रखना साडा मुख टीचा होगा, इसलिए पुलिस बल तैनात की गई है। सो इस के मद्देनजर तो तस्वीर जो बयान कर रही ने, खुद बयान कर रही ने तस्वीर कि एक पास तो डेरे के लोग पहुंच रहे हैं, हालांकि कुछ मीह करके कुछ प्रोग्राम अगे वधा दिए गए, तो दूसरे पास थां थां पुलिस बल तैनात की गई।